हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख के मुझे डर मत जाइएगा। मैंने पंजाबी मेकअप लुक शेयर किया था अभी कुछ दिनों पहले, सो उसी दिन मैंने कहा चलो लगे हाँ तो ये भी वीडियो कर लेते हैं, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपने वीडियोस कैसे शूट करती हूँ, क्या इक्विपमेंट्स, कौन सा कैमरा है भाई आपका, सब बताइए आज। तो मैंने कहा चलो सेटअप वेटअप लगा हुआ है, मैंने कहा कि चलो यार अब दिखाई देते हैं अपने सोना फैम को, क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और मैं समझ सकती हूँ ये रिक्वेस्ट वही करते हैं जिनका चैनल नया होता है, न्यू जिनका चैनल होता है, तो वो सोचते हैं ना कि मतलब हमें कोई ऐसा इंसान बता दे एक्सपीरियंस वाला जिसने 100 चीज़ें ट्राई ऑलरेडी कर ली और फाइनल पे उसका दिल जो है आ गया है। तो या बिल्कुल वही चीज़ें आज एकदम करेक्ट वीडियो पे आप आ गए हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मेकअप लुक को देखने के लिए तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स किए हुए हैं। और ये जो मैंने लुक किया है ये मैंने लैक्मे के प्रोडक्ट से किया है, यानी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है। एनीवेज जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले यू आर सीइंग दिस, यू नो कि मैं कैमरा के सामने बैठी हूँ, मैं हूँ, पीछे मेरा बैकग्राउंड है। अब कौन सा कैमरा है, कौन सा स्टैंड है, कौन सा बैकग्राउंड है, कितने डेप्थ पे होता है, कितनी दूरी पे होता है, किधर मैं लाइट प्लेस करती हूँ, चलिए अब हम स्विच करते हैं सेकंड कैमरा पे। तो मेरा जो ब्लॉगिंग का कैमरा है वो है ये G7X Mark II, बेस्ट कैमरा। और इसका ये मैन फ्रोटो का ही मैंने लिया है ये ट्राईपॉड। ये मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखा था, जैसे आप लोग होता ना सोचते हो कि वो ऐसे किसी इंसान से पूछ लें कि वो क्या यूज़ करते हैं जो रिप्लाई करते हो, तो मुझे भी पता चला था। ये G7X Mark II कैमरा जो है ये हमेशा जेक सतलानी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है। जेक सतलानी मालविका सतलानी के ब्रदर हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया था इसे। और ये फ्लिप हो जाता है, बहुत लोग तो इससे अपनी नॉर्मल वीडियो, बहुत लोग इसे ब्लॉग के लिए नहीं बट सिट डाउन वीडियोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। आई विश कि मुझे पहले ये पता होता तो मैं भी यही ले लेती, बट या अभी मैं इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ विद दिस ट्राईपॉड। सो अब मैं इस पर स्विच करती हूँ सो दैट मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखा सकूँ। सो मैं इसे ऑन कर रही हूँ। ओके गाइज, हाय, हेलो। और मैंने सेकेंड कैमरा पे स्विच किया है। तो ये जो आप वॉइस और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये मेरे G7X Mark II कैनन का ही है। जी हाँ, तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि मैं कहाँ बैठती हूँ। मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ मेरे सामने एक आयरन टेबल है जिस पे रख के हम अपने कपड़े आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं। तो ये मैंने इसलिए परचेस किया था, बट ये मेरा 2-in-1 यूज़ में आ जाता है। सबसे पहले मैं अपने कैमरा को कनेक्ट करती हूँ विद दिस। ये जो मेरा कैमरा है जिससे मैं शूट कर रही हूँ अपने YouTube वीडियोस को, ये वाली, इस कैमरा को मैं इससे कनेक्ट कर देती हूँ सो दैट मुझे यहाँ पे बैठे बैठे दिखे। मैं यहाँ पे मेकअप करती हूँ मिरर में और यहाँ मैं देख लेती हूँ कि ये कैसा रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मुझे डिस्टेंस काफ़ी मिल रही है, दिख नहीं रहा है, क्लियर स्क्रीन नहीं है क्लियर, तो मुझे यहाँ से दिख जाता है। ओके, सो हाय, हेलो अगेन। अब मैं यहाँ से उठती हूँ सो दैट मैं आप लोगों को डिस्टेंस वगैरह दिखा सकूँ। तो ये जो है ये कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप है बाय द वे। ओके नाउ, अभी आप थोड़ा मेरा रूम मेस्ड अप है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो पैकिंग चल रही है, सो प्लीज़ डोंट माइंड द मेस राइट नाउ। अभी आपको दिख रहा होगा 3 lights हियर, 2 here एंड टेबल, मी एंड माई बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड का बात करते हैं। बैकग्राउंड ये जो मेरा दीवार है, एकदम प्लेन वाइट वॉल है ये। इस पे मेरे हस्बैंड ने ये छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, आपके घर में भी होंगे, ये छोटे छोटे क्लिप्स पे इस लाइट को उन्होंने अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करते हुए, देखो आप सेलोटेप मारा है, ओके, एकदम स्ट्रेट लाइन में करते हुए। और यहाँ पर एक्सटेंशंस लगे हुए हैं, तो ये 4 इस तरीके के लाइट है, ठीक है, 4 हैं, चारों को यहाँ पर ऐड किया उन्होंने। एंड इसके बाद मेन स्विच से यहाँ पर उन्होंने कनेक्ट किया है, जिसको मैं ऐसे बंद कर दूँगी, अगर मैं ऑन करूँगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये एक ही तरह से रहता है, ब्लिंक ब्लिंक नहीं होता है, एक ही ये है। और ये पतले वाले हैं, मेटल वाले हैं, ओके, ये मेटल वाले इसलिए मैंने लिए हैं सो दैट मुझे सिर्फ लाइट दिखे मेरे वीडियोज़ में, ऐसे ये तार जो है वो ब्लर हो जाए। ओके, अब मैं कहाँ बैठती हूँ, देखो मैं यहाँ बैठती हूँ, ये मान लो पिलो है, मैं यहाँ बैठती हूँ, ये पिलो मैं हूँ और ये मेरा वॉल है। अब ये डिस्टेंस है लगभग समझ लो 4 feet की, ठीक है, ये 4 feet की डिस्टेंस है। ये कैमरा यहाँ लगता है ट्राईपॉड में और यहाँ मैं बैठती हूँ। अब ये डिस्टेंस आप पकड़ लो 4 feet है, तो मैं ऐसे डिस्टेंस पे बैठती हूँ कि 4 4, ओके, क्योंकि ये बेड ही है 4 feet का। तो
आपको ऐसे बैठना है कि आपका कैमरा और आप में 2 फुट का अगर डिस्टेंस है तो आपको बैक में एटलीस्ट डबल डिस्टेंस देना है, दैट इज़ 4। तो यहाँ मुझे एटलीस्ट अपना कैमरा यहाँ रखना चाहिए सो दैट मुझे 2 फुट का डिस्टेंस मिले। बट मैं थोड़ा सा मैं ऐसा शूट करती हूँ कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखे, मेरे सिर्फ यहाँ तक फेस ना दिखे, मेरा यहाँ तक दिखे, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है मैंने। बट इफ़ यू वॉन्ट अ परफेक्ट ब्लर वाला इफेक्ट, बैकग्राउंड में बिल्कुल एकदम ब्लर आ जाए ब्यूटिफुल सा, तो आप जितना यहाँ डिस्टेंस रखते हो उसका इक्वली डबल यहाँ पर रखोगे। ओके, अब ये मेरी सेटअप हो गई बैठने की। ये है मेरा कैमरा, पहले कैमरा की बात करते हैं। दिस इज़ माय कैमरा और इसका नेम है EOS 200D। मैं प्रूफ दे देती हूँ क्योंकि फिर बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपने झूठ बोला है। नहीं, दिस इज़ EOS 200D, मेरे लाइफ का फर्स्ट कैमरा। और मैं लेंस यूज़ करती हूँ कैनन लेंस 50mm 1.1.8 STM। ये 10,000 का लेंस है जिसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो, ये जैसा है ये अपने आप ही लेगा। देखो अभी आप, मैं थोड़ा सा देखो, ये जो चीज़ है ये ब्लैक वाली, ये अभी अंदर है, बट अगर मैं इसे फोकस कराऊं तो देखो आप ये किस तरीके से बाहर आ रहा है, ये अपने आप होगा ऑटोमेटिक। और ये मेरे हाथ को फोकस कर रहा है, सी हियर। ठीक है, अभी मैं हाथ हटा दूँ तो ये अपने आप पीछे चला जाएगा लाइक दिस। ये अपने आप फंक्शन करता है, इसके साथ बस यही एक तो है कि अपने आप फंक्शन करता है। मैंने यहाँ वाईफाई का बटन दबाया था इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए। अब ये जो माइक है ये है बोया की माइक, आई होप मैं आपको दिखा सकूँ। या सो दिस इज़ बोया की माइक, ये है बोया MYBY MM1। ये वाला जो मेरा माइक है ये इसमें मैंने कनेक्ट किया है, ये मैंने इस कैमरा में कनेक्ट किया है विद दिस पिन। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है, ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा हाउ टू कनेक्ट कैमरा, हाउ टू कनेक्ट बोया BY MM1 माइक टू माई कैमरा कैनन EOS 200D। तो वहाँ पे वहाँ वीडियो आता है, सेटिंग वेटिंग आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, बस टर्न ऑन करना रहता है। इसके बाद मैंने इसे कोई छेड़ा छाड़ा नहीं है। और ये जो फर आप देख रहे हो ना, ये माइक है इतना सा, पर ये इसके ऊपर जो फर लगाया ना, इसकी वजह से बाहर का नॉइज़ जो है वो अंदर नहीं आता। अब आप देखो, मैं जहाँ कैमरा लगाई हूँ वहाँ पर AC है और वहीं पर विंडो है, तो विंडो हमने क्या किया है, ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लाके विंडो को पूरा कवर किया है सो दैट कोई भी लाइट ना आए। देखो आप, मैंने यहाँ पे सेलो टेप मारा तो आपको दिख रहा होगा। और इसको मैंने प्रॉपर नेटिंग कर दिया है कि हमें इसे खोलना ही नहीं है, है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। और ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड है सिम्पेक्स का, ब्रांडिंग दिख नहीं रही है, हाँ ये रही, दिखाती हूँ, ये स्टैंड है सिम्पेक्स का। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हो फोटो एंड वीडियो VCT C9 1RM। तो ये काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है, लाइक इसका 9 फिट तक ये शायद चला जाता है। अभी मैंने इसे इस तरीके से रखा और ये काफ़ी स्टर्डी, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको रबर आता है बट 3-4 साल हो गया, तो मेरी बेटी ने काट लिया, इसलिए मेरी बेटी ने इसे नोच दिया, इसलिए यहाँ से गायब हो गया। नाउ मूविंग टू दिस बिग ह्यूज लाइट विच इज़ अ रिंग लाइट, जो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग और बिल्कुल ह्यूज सा है। दिस इज़ डिजीटेक का लाइट 18 इंच वाला, और ये स्टैंड के साथ नहीं आता, ये लाइट अलग मिलती है, ये स्टैंड आपको अलग से लेना होता है। ओके, तो ये लाइट, ये स्टैंड मैंने आई थिंक 1000 तक का मिलता है या 799 का, और ये लाइट आपको 4000 तक में मिलती है। सो यहाँ लिखा होगा डिजिटेक, यहाँ पे ब्रांडिंग है, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा साथ साथ कि मैं यही यूज़ करती हूँ। ये 9 फिट तक हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइट दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा होगा कि यार इसके सामने ये क्या इफेक्ट देगा, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा, आपको दिखेगा नहीं पर आता है। तो यहाँ मैंने 25-25 वाट का 2 सॉफ्ट लाइट लगाया है, थोड़ा सा क्लोजली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो इसके ऊपर मेरे हस्बैंड ने वाइट कलर का पेपर लगाया सो दैट, जैसे ये देखो आप, ये लाइट के ऊपर कितना बड़ा फ्रेमिंग किया हुआ है जिससे लाइट बहुत छन के आ रही है। तो इसमें तो डायरेक्ट फोकस लाइट है, ये बैनर पे लगने वाला लाइट है, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर वाइट कलर का पेपर लगाया है। हाय अगेन, तो यहाँ मैंने क्या किया है, 2 लाइट के जस्ट बीच में रिंग लाइट को लगाया है, और कैमरा मैंने साइड में किया है। कैमरा आप इसके बीच से भी कर सकते हो, बट फिर पूरा वो जो रिंग लाइट है वो पूरा चेहरे को वाइट कर देता है, कलर वगैरह इतना बढ़िया से निखर के दिखता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर
कैमरा को साइड में लगाया है। ओके, तो ये मेरा सेटअप होता है। मैं वापस से दिखा देती हूँ। रिंग लाइट के बगल में कैमरा लगाया है, उसके बीच से नहीं निकाला है, और यहाँ दो लाइट है और उसके बीच मैंने रिंग लाइट खड़ा किया। अब मैं यहाँ बैठती हूँ, फिर मुझे मेरे बैकग्राउंड मिलता है। इतना बड़ा बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने अपने सेफ साइड के लिए बना लिया है। अभी जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो है मेरा व्लॉग का कैमरा, जो मेरा मोस्ट फेवरेट कैमरा है। बहुत लोग इसी से, अगर आप ये वाला कैमरा से शूट करते हो तो देखो, आपको सिर्फ ऐसे बैठना है, आपको सिर्फ ऐसे बैठना है, थोड़ा नज़दीक भी कैमरा रख के आप शूट कर सकते हो। जूम करना है आप जूम कर सकते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। बट जो मेरा कैमरा आप देखो कितने दूर है मुझसे, है ना, क्योंकि वो प्राइम लेंस है ना, तो वो बैकग्राउंड को बहुत अच्छा ब्लर करता है। सी हियर, आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरीके का ब्लर यहाँ पे कर रहा है। हाय अगेन। सो ये बहुत अच्छा ब्लर कर देता है, और अगर आप नज़दीक बैठो, मुझे चाहिए कि मेरा इतना तक फेस दिखे, बट अगर आपको नहीं चाहिए कि इतना फेस दिखे तो आप कैमरा को और आगे खींच सकते हो। अभी बहुत लोग कहेंगे रिंग लाइट क्या, थोड़ा सा लाइट वगैरह के बारे में बताएं, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना दो सेटिंग्स आपको मिलती है, एक ये कूल, देखिए पूरा ये वार्म हो गया, फुल्ली वार्म, जैसे जस्ट लाइक अ ऑरेंज सन, बट आप इसको अगर कर दो तो वाइट हो जाता है ये, और ये उसकी इंटेंसिटी को हाई लो करने के लिए है। बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया, तो मैं फुल पे रखती हूँ क्योंकि मेरा लाइट मुझसे बहुत दूर है ना, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, मेरा लाइट वहाँ है। तो अभी मैं ये कैमरा बंद करती हूँ, और सबके लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। या मैं उस नाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।